कटिहार में मेयर शिवराज हत्याकांड के बाद बिहार की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं डिप्टी सीएम के गृह जिला होने के चलते विपक्ष लगातार हमलावर है, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने निवर्तमान मेयर शिवराज पासवान की हत्या पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि बिहार में महाजंगल राज है, अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा सांसद ने मृतक के आवास पर पहुंचकर शोक संतप्त स्वजनों से भेंट कर संतावना दी। उन्होंने शिवराज पासवान की माता, पत्नी, भाई सहित परिवार के अन्य सदस्यों को ढाढ़स बंधाते हुए घटना की जानकारी ली। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने कहा कि आपराधिक घटना पर नकेल कसने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। सरकार चाहे तो अपराध की घटना पर लगाम लगाई जा सकती है। इच्छा शक्ति के अभाव के कारण लगातार इस तरह की घटना हो रही है। उन्होंने कहा कि निवर्तमान मेयर की हत्या अत्यंत दुखद है। डिप्टी सीएम का गृह जिला होने के बावजूद आपराधिक घटना चिंता की बात है। अन्य जिलों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने पीड़ित परिवार को संतावना देते हुए कहा कि दुख की घड़ी में राजद परिवार उनके साथ है। उन्होंने हत्याकांड में शामिल दोषियों को चिन्हित करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस तरह की ये घटना है, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार पर है, कटिहार जिला के प्रशासन पर है। जब लालू जी की सरकार थी तो बराबर मैंने देखा कि क्रिमिनल जो क्रिमिनल थे, उन क्रिमिनलों का हमने देखा है कि किसी न किसी तरह वो लोग सरकार के जरिए हो, प्रशासन के जरिए हो, जो क्रिमिनल थे उनका इलाज हो गया। लेकिन आज वो इलाज नहीं हो रहा है जो इलाज उस जमाने में होता था। सरकार हो या प्रशासन हो, ये जानती है कि कौन इंसान कैसा है, कौन व्यक्ति शरीफ है, कौन गंदा है, कौन क्रिमिनल है, कौन किस आचरण का है। ये सरकार को पता रहती है, प्रशासन को पता रहती है, खास तौर पर जिला की पुलिस को सब बात मालूम होती है। तो इसको आज तक प्रिकॉशन लें, क्या करें उनके साथ, उनको पकड़ के अंदर करें, उनके साथ जो करना चाहिए वो नहीं हुई, ये छूट है क्रिमिनलों को, जिसकी वजह से हत्या हो रही है। और एक अच्छे इंसान जो इंसाफ पसंद इंसान था शिवराज जी, उसकी हत्या से ये घर नहीं, कटिहार नहीं, बल्कि पूरा सीमांचल, पूरा कोसी और हम कहें कि पूरा बिहार इससे दुखी है। इतना दुखी है जिसका शब्द नहीं है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, और अब भी सिर्फ पकड़ लेने से नहीं काम चलता है। पकड़ कर को उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए सरकार को और जुडिशरी को और पुलिस को, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दूसरे को सबक मिले, ताकि ऐसी घटना नहीं हो जिस तरह की घटना की गई है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार को और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह लेनी चाहिए और ईमानदारी से उसको पकड़ कर जितनी सख्त सज़ा हो देनी चाहिए। और हम इस घर के शिवराज जी के घर में आए, बहुत गम का माहौल है। उनकी जो धर्मपत्नी, उनकी जो विधवा हो गई, कहते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, किस तरह से बेहाल है, परेशान है। ये माहौल बड़ा ख़राब है, बहुत दुखी माहौल है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उनको सब्र दे और क्रिमिनल को सज़ा मिले साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विपक्ष विधानसभा में डिप्टी सीएम इस्तीफे की मांग, तो आपको मालूम ही हो रहा है कि विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहा है। यही तो कह रहा है कि ये सरकार, बिहार सरकार बिल्कुल फेल है, इसको रहने का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।